What is up, crazies? Ask Real Life का Q&A part 2 with two question because ये दोनों question एक ही जैसे हैं. Question is congratulations, lots of hearts, and my question is from Ask Real Life, how you convince your family from for love marriage from Nigam Barik, and same question is being asked from Abhinandan Sharma, how you convinced your families for love marriage. Kind of एक question है, एक में पूछा गया है कि कैसे करना और एक में पूछा गया कि आपने कैसे करा. So we'll try to answer both in our own way. अपना थोड़ा इजी था, व्हाट्स इट? Yes, अपना इजी था. I mean problems आए नहीं, thankfully. मैंने मॉम को शिल्पा से मिलवाया, शिल्पा ने मुझे अपने घर वालों से मिलवाया, and everything was fine. लड़का अच्छा कमा रहा है, लड़की अच्छी कमा रही है, फैमिली अच्छी है, well settled है, दोनों ठीक ठाक कमा रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, नेचर अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तो फिर एक दूसरे की फैमिली को और चाहिए क्या? क्या चाहिए? क्या चाहिए? Exactly. और ऊपर से घर भी दूर नहीं है ज़्यादा, तो मतलब only 40 to 45 किलोमीटर का डिफरेंस, तो you know आराम से आना जाना लग सकता है विद इन 1 आवर. तो ये था, और अपना काम बन गया इजिली, चलते फिरते हंसते हंसाते. सवाल, हाउ टू कन्विंस, ये तुम स्टार्ट करोगी या मैं स्टार्ट करूँ? सबसे पहली चीज, सब कुछ सच सच बता दो और अपने पेरेंट्स को एकदम क्लियर होकर बताओ कि वॉट यू वॉन्ट और उस चीज का फायदा क्या है. एटलीस्ट सामने वाले बंदे के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है, तुम उसके बारे में बताओ तो सही. वो तो जानते ही नहीं, जब तक वो जानेंगे नहीं उन्हें कैसे पता चलेगा. अपने परसेप्शन से वो सब करेंगे तो फिर इजी नहीं रहे. एग्जैक्टली. और झूठ नहीं बोलना है कहीं भी, बिकॉज योर पेरेंट्स आर मच मोर मैच्योर एंड स्मार्टर देन यू, दिल नो वेन यू आर लाइंग. और जहाँ झूठ बोला वहाँ पर डाउट्स आए, और जहाँ डाउट्स आए वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस इज अनइनवाइटेड एंड अननेसेसरी. किसी भी गर्ल पेरेंट को क्या चाहिए? लड़का वेल सेटल्ड हो, अच्छा नेचर हो, एंड रिस्पेक्टेबल जॉब हो. मैं इतना इस पर फोकस क्यों दे रहा हूँ? आई नो इस पर बहुत लोग अब ये बोलने के लिए आएंगे कि लड़कियाँ भी तो कर सकती हैं जॉब. राइट, कर सकती हैं, पर इसका जवाब शिल्पा ज़्यादा अच्छे से देगी. राइट, लड़कियाँ जॉब कर सकते हैं, बट एक लड़की को अपना घर छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट होना है, वो घर जिसमें वो बचपन से रही है. एग्जैक्टली. तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि अगर वो ये घर छोड़ के किसी दूसरे घर में जाए तो वो घर अच्छा होना चाहिए जहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम ना आए. एग्जैक्टली. भूखी ना रहे, उसकी सारी नीड्स पूरी हों. जैसे नीड्स की बात, जैसे उनके पेरेंट्स ने, जैसे उनके पेरेंट्स ने जो भी एक अपनी बेटी को चाहिए दिलाया, खिलाया, हर इच्छा पूरी करी, ऐसे ही वो भी होप करते हैं कि सामने लड़के वाले के घर वाले भी सेम करें. क्योंकि ऑब्वियसली यार, एट द एंड ऑफ द डे वो उन्हीं की बेटी है. ज़्यादा भावनाएं समझ जाओ. आधे से ज़्यादा पेरेंट के तो इश्यूज जो होते हैं ना वो यहीं ख़त्म हो जाते हैं. जॉब वेल सेटल्ड, नेचर अच्छा, फैमिली अच्छी, और क्या चाहिए? नाउ मिलवाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर मिलवाया ही नहीं तो ये जो जॉब सेटल्ड, वेल सेटल्ड, जॉब, नेचर, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए मिलवाना बहुत ज़रूरी है. लेकिन प्यार से, नो गुस्सा नथिंग, प्यार से, मैच्योरिटी से. अगर आप गुस्सा करोगे पेरेंट्स से और लड़ोगे इस चीज के लिए, तो पहला ही इम्पैक्ट गलत जाएगा. राइट, कि आप एक लड़के के लिए अपने पेरेंट्स से लड़ रहे हो जिन्होंने आपको बचपन से पाला खिलाया. एट द लास्ट अगेन आई वुड से योर पेरेंट इज मच मोर स्मार्टर एंड मैच्योर देन यू. उन्हें पता चल जाएगा जो आप देख रहे हो सामने वाले लड़के या लड़की में है क्या. सब कुछ प्यार से और समझदारी से करो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो आराम से. और ये नहीं कि एक बार उन्होंने मना कर दिया तो अब क्या होगा, कैसे होगा, डर के बैठ गए, नहीं चलता उससे काम, फिर दोबारा कोशिश करो. कोशिश करते रहो लेकिन प्यार से. एग्जैक्टली. और अगर वो किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो पहले उनके पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करो. मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये नहीं कि आप हमें नहीं समझ रहे हो या कुछ भी है, उन्हें भी समझने की कोशिश करो और उन्हें समझाने की कोशिश करो. बहुत मुश्किल होता है कि ये चीज समझाना और उनको समझना, उससे ज्यादा मुश्किल है. करना दोनों को ही पड़ेगा, वरना लड़के शादी करना बहुत आसान है, कर सकते हो. उसके बाद इतनी इजी नहीं होती लाइफ, क्योंकि फैमिली इज एवरीथिंग. फैमिली साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हो. विद दैट सेड, आई होप आप लोगों को हमारा ये अपना पर्सपेक्टिव अच्छा लगाओ. इस पे जज मत करना यार, ये हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, सबके अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. एंड बाय द वे, मैंने टोपी, किसी की अपनी सिचुएशंस होती हैं, अपने सिनेरियोस होते हैं. हाँ, उन सिनेरियो में थोड़ा सा समझदार होकर डिसीजन लीजिए तो बेटर होगा. एग्जैक्ट. बाय द वे, मैंने टोपी इसलिए लगाई है बिकॉज मैंने तेल लगाया हुआ है,
एंड ऊपर जो लिखा है वो एक्चुअली आई मीन इट. डज दैट मेक एनी सेंस? पागल है. With that said, hope you guys enjoyed this video. तुम outro करो, तुम्हारा चैनल है. हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे. चलते चलते मिलते हैं मंडे.